अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि पूरे राज्य के ग्रामीण सड़कों के ध्यान में रख करके हमने यह प्रश्न लाया है कि 2001 से ही जब से राज्य में सड़कें बनना प्रारंभ हुआ, उन सड़कों की हालात क्या है ये पूरे सदन को पता है कि भाई 20 वर्ष हो गए। हमने तो 2010 तक का ही सड़कों का जिक्र किया है कि जो सड़कें पुरानी है उनकी लाइफ मुश्किल से अधिकतम 5 साल होती है। अध्यक्ष महोदय, 3 सालों में ही सड़क की मरम्मती करनी है जो पीडब्ल्यूडी के नॉर्म से, आरसीडी के नॉर्म से, लेकिन अधिकतम 5 सालों तक वो सड़कें चलती है। इसके बाद सारी सड़कें जर्जर हो गई है। ठीक है, सरकार थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ सड़कों की मरम्मती कराती है, लेकिन काफी लंबी सड़कों की लंबाई है, बड़ी मात्रा में, कैसे मात्रा तो नहीं कह सकते कि बड़ी माप की सड़कें हैं, जो सड़कें बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। तो उसी सापेक्ष में हमने सरकार से जानने का प्रयास किया कि इन सड़कों की मरम्मती सरकार कैसे कराएगी, और हमें लगता है कि सरकार को इस विषय पर विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए था, ब्यौरा कि भाई 2000 सड़क तक इतनी सड़कें बनी, इतनी सड़कों की हमने मरम्मती कराई, इतनी सड़कें बाकी है, इस फेज वाइज इन सड़कों की हम मरम्मती कराएंगे। तो हमें लगता है कि सरकार ने गोल मटोल उत्तर दिया है। तो क्या सरकार के पास कोई विस्तृत ब्यौरा, कोई जानकारी कि कितनी सड़कें खराब है, कितनी वॉटरेबल है, कितनी चलने लायक है, ये पहले है, तब फिर आगे का प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का जो प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने जो क्वेश्चन किए थे उसके संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि अभी तक राज संपोषित योजना के तहत 23,500 किलोमीटर लगभग पथों का निर्माण हुआ है, और 2001 और 2010 तक पुल का, रोड का निर्माण 7,438 किलोमीटर पथों का निर्माण कराया गया है। और अभी जो बजट सत्र में हमने जो अपने भाषण में कहे थे उन्हीं की बात हम बोल रहे थे कि हमने उसका समीक्षा करा रहे हैं, और इस चालू वित्तीय वर्ष में भी कुछ रोडों का सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण किया गया था, और इस बार भी हम लोग करीब करीब 2000 किलोमीटर रोड सुदृढ़ीकरण मजबूतीकरण बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि पीएमजीएसवाई से लेकर असम से जो योजना, दोनों योजना मिलाकर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का जो सड़क है, फेज 1-2 का तो हुआ है, तो उसके बाद जितने भी है धीरे धीरे हम लोग करने के काम करेंगे। हो गया प्रदीप बाबू? हो गया, आप तो ऐसे बोल देते लगता सारी सड़कें बन गई। माननीय सदस्य, अध्यक्ष, माननीय सदस्य, सरकार अपने समर्थता के हिसाब से बात, बिल्कुल उसके हम जान रहे हैं कि आपका इच्छा है कि एक साथ अगर बन जाए तो बहुत अच्छा। एक साथ नहीं बन जाए, हम तो प्लान चाहते हैं। सरकार जैसे कहा है, सरकार ने अभी, सरकार के मंत्री ने कहा कि भाई हम 2000 सड़कों का किलोमीटर का बनाएंगे इस बार, और आपने बजट का कितना प्रावधान किया जरा हमें बताए। देखिये 2000 किलोमीटर जो है 19-20 का, और हमने उस दिन कहा कि जो राशि हमें प्राप्त हुई है पहला हमारा काम रहेगा कि पुरानी जो सड़क है उसको मरम्मती करेंगे, उसके बाद अगर जहां मेन स्ट्रीम का सड़क जो है, मुख्यालय का सड़क है, उसको जोड़ने की हम काम करेंगे, और बहुत जल्द इसका प्लान चौक आउट करके सार्वजनिक रूप से हम प्रकाशित करेंगे ये कितना रोड हमारा छुटा हुआ है। देखिए, हम केवल इतना चाहते हैं कि आप यह सार्वजनिक करें, इस प्रकार आपने कहा बड़े सुंदर तरीके से कि 23,500 किलोमीटर कुल राज्य संपूर्ति सड़कें बनी है, जो लगभग सही है, और 2010 तक 7,438 किलोमीटर सड़कें बनी है। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि भाई अगर आप 2000 बनाते हैं तो रेस्ट कितना बचता है, अगर इस साल आप 2000 बनाते हैं तो और सड़कों को कब तक बनाएंगे, यही तो प्लान हम चाह रहे हैं। क्या 2 वर्षों में कि 3 वर्षों में, क्योंकि फिर तो और सड़कें पुरानी आपके पास फिर लोड आएगा। तो हम तो यही चाह रहे कि एक प्लान सरकार बताए कि अभी 2015 तक, 2010 तक ही हमने लाया है, लेकिन 2015 तक की सड़कें पुरानी हो चुकी है, तो 2015 तक जो पुरानी सड़कें हैं
अगर वो लगभग 1500 किलोमीटर होगा 2015 तक, जो मेरे संज्ञान में है, जो मेरे ध्यान में है, तो उन 15000 किलोमीटर सड़कों को बनाने के लिए सरकार फेज वाइज क्या प्लान है? जैसे इस साल 2000, अगले साल 2000, तब तो फिर ये अनंत कथा हो जाएगी। एक बार एक बड़ी अमाउंट लेकर के सरकार को पहले उन पुरानी सड़कों को बनाने के विशेष प्लान लाना होगा, ताकि सारी पुरानी सड़क बन जाए, सुदृढ़ हो जाए, तब फिर हम फेज वाइज चले तो ये कथा चलेगी, नहीं तो ये अनंत कथा हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा सरकार से इतना ही होगा कि एक ठोस प्लान, कि भाई आपने अभी 100 करोड़ रुपया रखा है इस बजट में, जो मेरे ध्यान में है, 100 करोड़ से आपके मुश्किल से सड़कें बनेगी तो 200 किलोमीटर सड़कें बनेगी, और आप 2000 की कल्पना कर रहे हैं कि 2000 बनाएंगे, तो ये भी वादे आपके झूठे हो जाएंगे, ये वादे भी सच नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं एक ठोस प्लान चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता।